हेलो दोस्तों। तो आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो है दाल तड़का मसूर की। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है और मेरे तरीके से बनाएंगे तो इसको बनाना बहुत ही आसान आपको लगेगा और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो और स्वाद भी इसका जो है वो भी लाजवाब है। तो आपका टाइम ज़्यादा ना खराब करते हुए मैं आपको लेके चलता हूँ मैं अपनी गैस पे और आपको बताता हूँ कि क्या क्या ज़रूरत पड़ती है इसके अंदर बनाने के लिए। तो मिलते हैं आगे वीडियो में। हेलो एंड वेलकम मेरे दोस्तों, आज नए व्लॉग में आप लोगों का वेलकम है, स्वागत है। तो आज जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो है मसूर दाल तड़का। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही स्वाद लगती है, बच्चे भी इसको बहुत पसंद से खाते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से इसको बनाना है। इसके बनाने के लिए हमने ये देखिए यहाँ पर ये जो हमारी है ये 250 ग्राम के करीब हमने क्या कहते हैं ये दाल है, इसको धो के रख लिया मसूर की दाल को। और ये 4-5 हरी मिर्च है और एक ये छोटा प्याज है और ये एक लहसुन की क्या कहते हैं गांठ है, छोटी ज़्यादा बड़ी नहीं। और ये थोड़े से खड़े मसाले हैं, इसमें सारा मिक्स है, तेज़पत्ता है, बड़ी इलायची है, जीरा है, थोड़ा सा काली मिर्च वो नहीं डालनी है, खाली ये क्या कहते हैं छोटी इलायची है और दालचीनी की लकड़ी है। ये नमक है स्वाद अनुसार, आप अपने हिसाब से डालिएगा। और ये धनिया की पत्ती है जो गार्निश में काम आएगी। तो इसमें हम क्या कहते हैं एक चम्मच ऑयल भी डालेंगे, तो वो डालता हूँ मैं, तो आपको बता दूंगा। मैंने पहले बता रहा हूँ कि क्या कहते हैं मैंने निकाल के नहीं रखा है अलग, लेकिन इसमें एक चम्मच जो है वो हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे। तो इसमें ऑयल जब मिलाएंगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत जल्दी से ये गल जाएगी। तो मैं इसको कुकर में मिक्स करता हूँ सारा का सारा, फिर चढ़ाता हूँ दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने सब मिला दिया है और इसमें हमने क्या कहते हैं 2 कप पानी डाल दिए हैं और मिक्स कर दिया सारा। तो इसको अब मैं करता हूँ बंद, और बंद करके इसको एक बार इसमें 5 सीटी लगाने के लिए रख देता हूँ। तो आपको दिखाता हूँ 5 सीटी लगने के बाद। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी 5 सीटी हो गई है, ये हमारी दाल जो है एकदम बेहतरीन बढ़िया गल गई है। ये देखिए आज मैं एकदम फास्ट आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये दाल जो है ये हमारी, ये देखिए ये एकदम गल चुकी है एकदम बढ़िया। तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। अब इसको जो हम कर लेते हैं साइड पे और चढ़ा देते हैं हम अपनी छोटी सी कढ़ाई और गैस कर देते हैं ऑन और इसको होने देते हैं गरम। तो दोस्तों ये देखिए कढ़ाई हमारी गरम हो चुकी है। मैं सरसों का तेल आज लेके आ ही गया, तो इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच सरसों का तेल, ज़्यादा नहीं, बस ये इतना बहुत है। और हम करते हैं अपने तड़के का इंतजाम, इसको एकदम कढ़ा लेते हैं, इसमें से जब धुआं निकलने लग जाए आँच तेजी रहने देते हैं, इसको एकदम से पका लेते हैं। तो जब ये एकदम पक जाएगा तब मैं दिखाता हूँ आपको तड़के के टाइम। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा ऑयल हो गया है गरम, आँच कर देते हैं थोड़ी सी स्लो, देखिए धुआं निकलने लग गया है, एकदम स्लो कर देते हैं। इसमें लगाते हैं हम हींग का तड़का, हींग बहुत ज़रूरी है जिससे ये हाजमा हमारा जो है वो सही रहे। थोड़ी सी डाल देते हैं ये देखिए हींग, और डाल देते हैं ये जीरा, कसूरी मेथी और ये लाल मिर्च। इसको हल्का सा ये किलो आँच पे हम हल्का सा तो फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्त, हमारा तड़का जो है वो तैयार हो गया है, हमने इसको गैस को कर दिया बंद। इसमें डाल देते हैं ये देखिए सारा दाल जो है इसमें हम डाल देते हैं, साइड दाल डाल के मैं दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये दाल को मैंने डाल दिया है इसमें, और हमने डाल दिया इसमें 1/2 कप पानी। आँच हम कर देते हैं तेज और इसको हम पकने देते हैं, उबाल आ जाता है, उसके बाद में हम इसको थोड़ा सा 5 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो जैसे ये 5 मिनट के बाद पक के होता है मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, 5 मिनट हमने इसको पकने के लिए छोड़ दिया था, ये हमारी दाल जो है वो एकदम तैयार हो गई है, ये देखिए। तो अब मैं इसको दाल को निकाल के सर्व करके आपको दिखाता हूँ कि ये दिखती कैसी है, और गार्निश करके दिखाता हूँ आपको। तो गार्निश करता हूँ तो दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों ये देखिए, ये हमने बाउल में इसको सर्व कर लिया है, और अभी भी आप देख रहे होंगे कि इसमें कितना धुआं निकल रहा है। तो ये देखने में जितनी खूबसूरत लग रही है खाने में भी इतनी खूबसूरत है। तो इसी तरीके से बनाएं,
और इसमें हम अब कर देते हैं थोड़ी सी ये हल्की सी गार्निशिंग, ये दिखाने के लिए आपको, देखने में भी सुंदर लगेगी। ये देखिए ये हमारी हो गई गार्निश, और इसी तरीके से आप बनाएं। और हमारे चैनल पर अगर आप नए जुड़े हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे साथ इसी तरीके से बने रहें और पूरा वीडियो देखा करें, तो आपको इसी तरीके से नई नई डिश जो है वो बनाने को, दिखाने को मिलेगी। तो आज जो है मैंने आपके लिए बनाई थी इस मसूर की दाल को, तो आप खाएं और मुझे बताएं कि हाँ कैसी लगी। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कल, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, टाटा बाय बाय।